इंदौर रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसी के साथ इंदौर के मुख्य रेलवे स्टेशन के आसपास के रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग उठ रही है। राजेंद्र नगर स्टेशन के गेज परिवर्तन के बाद यहां से गुजरने वाली कई ट्रेनों के स्टॉपेज बंद कर दिए गए हैं। इसके मद्देनजर संस्था युवा लक्ष्य और स्थानीय लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। वर्ष 2014 में गेज परिवर्तन और 2017 में राजेंद्र नगर स्टेशन का कायाकल्प हुआ। इसके बाद राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों का स्टॉपेज बंद हो गया है। इसके चलते क्षेत्र के रहवासियों को यात्रा के लिए बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यात्रा के लिए लोगों को करीब 12 किलोमीटर दूर मुख्य स्टेशन जाना पड़ता है। संस्था युवा लक्ष्य ने स्थानीय लोगों को साथ लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया। तन्मय सिंह चौहान के नेतृत्व में हुए इस अभियान में बड़ी संख्या में लोगों ने हस्ताक्षर किए। राजेंद्र नगर क्षेत्र और आसपास 50 से भी ज़्यादा बड़ी कॉलोनियाँ हैं, साथ ही पास में राव और पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र है। पीथमपुर क्षेत्र के कई लोग अधिकारी कर्मचारी भी इसी क्षेत्र में रहते हैं। ऐसे में लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। संस्था ने भोपाल इंटरसिटी, माँ वैष्णो देवी कटरा, गुवाहाटी प्रयागराज सुपरफास्ट, यशवंतपुर रीवा एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉपेज राजेंद्र नगर में देने की मांग की है। इसके अंदर हमने मांग रखी है, राजेंद्र नगर स्टेशन जो पहले छोटी लाइन में था, उस समय सारी ट्रेनें यहाँ पर रुकती थी, यहाँ के रहवासियों को सुविधा थी। लेकिन जैसे जब गेज परिवर्तन हुआ और स्टेशन का कायाकल्प हुआ, उसके बाद बड़ी ट्रेनें रुकना यहाँ पे बंद हो गई है, जिसके कारण आजू बाजू के क्षेत्र में जितनी भी 50 कॉलोनियाँ हैं उनके रहवासियों को आने जाने में दिक्कत होने लग गई है। यहाँ से किसी भी व्यक्ति को 20 किलोमीटर इंदौर स्टेशन पर जाना पड़ता है, जिससे कि उनको यातायात में ट्रैफिक में भी बाधा आती है और यहाँ के लोगों को दिक्कतें भी आती है। और यहाँ का जो क्षेत्र है राजेंद्र नगर, जो क्षेत्र व्यापारिक क्षेत्र है, यहाँ पर राजेंद्र नगर स्टेशन पर ट्रेनें न रुकने के कारण व्यापार पर भी काफ़ी असर पड़ा है, जिसके कारण यहाँ के दुकानदारों को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा। स्टॉपेज के लिए फिर हमने प्रयागराज, इंटरसिटी, माता वैष्णो देवी और अपना रेवा और यशवंतपुरा की हमने डिमांड रखी है। इसके अंतर्गत यहाँ के रहवासी इंदौर उज्जैन के लिए अप डाउन कर सकते हैं। इसमें क्या लोगों की डिमांड आती है इन ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए? लोगों की डिमांड स्टॉपेज के लिए इतनी ज़्यादा है कि यहाँ जब हमने जो 3 घंटे के लिए हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम रखा था, जिसके अंदर 500 लोगों ने हस्ताक्षर करने आए। या अभियान जारी रहेगा आपका? ये लगातार हम घर घर जाके इसका हस्ताक्षर अभियान हम हर कॉलोनी में जाके करेंगे। आपका नाम बता दें। राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पूर्व में मीटर गेज के प्रमुख स्टेशन में से एक था। तब कई गाड़ियां यहां रुकती थी, लेकिन गेज परिवर्तन के बाद यहां एक दो ट्रेनें ही रुक रही है। इसे देखते हुए रहवासियों ने आंदोलन शुरू किया है। फिलहाल देखना होगा कि रेल सुविधा से वंचित रहवासियों को कब तक राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।